मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जैसे ही जैसे तैसे हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। आरजेडी में टूट है क्या? लोग डिमांड कर रहे हैं कि अच्छा पत्रकारों पर भड़क रहे हैं तेज प्रताप यादव, हिटलर बता रहे हैं कि श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं और सबसे बड़ा कि नमन करने के लिए अपने शहीदों के यहाँ आए हैं। ये नहीं, इसके लिए पार्टी कर जाले बना। ऑफर हम मैंने ये ऑफर का कोई मतलब है क्या? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैंने 3 विधायक वाली पार्टी ऑफर देगा कि आप हमारे पास चले आइए, माफ़ कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूँ देवाशीष कुमार। क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक चल रहा है? कई दिनों से ये सवाल जो है वह संशय का विषय बना हुआ है। लगातार तेज प्रताप यादव जो हैं वो हमलावर हो रहे हैं। एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने जगदानंद बाबू को जो है हिटलर तक करार दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई। लगातार सवाल उन पर कहे जा रहे हैं। कल जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से तेज प्रताप यादव जो है वो फेसबुक लाइव आकर के पत्रकारों पर उन्होंने हमला किया, उन्होंने केस तक करने की बात कही। आरजेडी के अंदर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। इस वक्त हम सप्तमूर्ति के पास मौजूद है, जहां पर आरजेडी के तरफ से आज यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में आरजेडी के तमाम विधायक और नेता पहुंचे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस कार्यक्रम में जगदा बाबू जो हैं वो नहीं पहुंचे थे। हालांकि जब हमने सवाल किया आलोक मेहता से तो उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह की तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। हालांकि मामला कुछ भी हो, लेकिन ये तो साफ कहा जा सकता है कि आरजेडी के भीतर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो आरजेडी के अंदर चल रहा है और कोई कुछ और कोई कुछ कहता है, तो उसको लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है। तमाम सवाल हमने भी आरजेडी के तमाम नेताओं से पूछने की कोशिश की, लेकिन तमाम नेताओं के तरफ से जो है वो तेज प्रताप को लेकर किसी तरह की कोई बयान नहीं निकल करके सामने आई। आलोक मेहता से जब हमने सवाल किया कि क्या जगदा बाबू इस वक्त नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी अंदर की बात है, हमारी पार्टी की बात है, सब कुछ ठीक है, जिसको जो बोलना है वो बोलने दीजिए। फिलहाल बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आरजेडी में सब कुछ ठीक है, तो फिर जो इनके नेता हैं, जो इनके विधायक हैं, आखिर सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं? जगदा बाबू नहीं आए हैं कार्यक्रम में। सर हम शहीद से ऑफर आया है जगदा बाबू को कि अगर वहां के नहीं रहना चाहते हैं। शहीद आज सबसे बड़ा जो है कि श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं और सबसे बड़ा कि नमन करने के लिए अपने शहीदों के यहाँ आए हैं। ये नहीं, इसके लिए पार्टी कर जाले बना। अच्छा, कहीं ना कहीं आरजेडी में टूट है क्या? लोग डिमांड कर रहे हैं कि अच्छा पत्रकारों पर भड़क रहे हैं तेज प्रताप यादव, हिटलर बता रहे हैं। अच्छा आरजेडी में क्या उपेंद्र कुशवाहा कभी कहते हैं कि आरजेडी के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, माझी जी अलग ऑफर दे रहे हैं, जगदा बाबू को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, सब माने, तो क्या जो वो लोग दावा करें उन लोगों के दावे में कितना दम? आपको नहीं लग रहा है आरजेडी चट्टानी एकता के साथ एकजुट है और जहाँ एकजुटता होती है वहीं पर तोड़ने के तमाम प्रयास होते हैं। वो सारे के सारे उनका छेनी टूट जाएगा लेकिन ये चट्टान नहीं टूटेगा, बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। आपको लगता है कि लोग प्रयास कर रहे हैं तोड़ने? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, ये सब कोड़े जुमले हैं जो समय समय पर लोगों के बीच रखकर अपनी संतुष्टि के लिए वो लोग। आपके भी संपर्क में है क्या जेडीयू और बीजेपी के लोग? हमारे संपर्क में पूरा बिहार है, मैं उसको जेडीयू आरजेडी से नहीं, जब हम विधायक हैं, जब हम पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, तो कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है। आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल। तेज प्रताप यादव ऑनलाइन आकर यूट्यूब पे फेसबुक पे धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को, क्या उचित है? देखिए बात करना पत्रकारों के खिलाफ उनके देखिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जैसे ही जैसे तैसे हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। हमारी पार्टी के अंदर का मामला जो था वो तो अंदर है, और बाहर यदि ऐसा कुछ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ यदि किसी को तकलीफ हुई है तो। लेकिन निश्चित रूप से यह भी होना चाहिए, पत्रकारिता का जो तरीका है उसमें देश और राज्य की जो बड़ी समस्याएं हैं उससे अलग होकर आप किसी के व्यक्तिगत बातों में उलझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस तरह मैंने जो आप बोलेंगे उसका प्रतिकार होगा, उसका कुछ ये मानवीय स्वभाव है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है,
राष्ट्रीय जनता दल तो पत्रकारों के लिए हमेशा उसके हित की बात करता रहा है और स्वतंत्र पत्रकारिता का की वकालत करता रहा है, लेकिन विगत वर्षों में जो गोदी मीडिया की बात कही जा रही है, मैं चाहता हूं कि आप पत्रकारों की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मीडिया जो हाउसेज के अंदर काम कर रहा है, ये हाउसेज कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन हो रहा है जिसका ये परिणाम है। अच्छा आलोक जी, जगदा बाबू को तेज प्रताप यादव ने हिटलर बताया, ये हमारे पार्टी के अंदर का मामला है, हम उसे देखेंगे, इसमें बाहर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब ये मानवीय स्वभाव है, राष्ट्रीय जनता दल डेमोक्रेटिक भी रहा है, इस बात को आप जान रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका हिस्सा है। मैं फिर बाद आलोक जी, लेकिन अभी कोई और नेता इस पे बोलता तो नोटिस निकल गया होता संभवतः, लगता है। ये आप अनुमान क्यों लगा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल में पिछले चुनाव में बहुत सारे साथी जिनको किसी उम्मीदवार के चलते आक्रोश था, कुछ था, कुछ बोले, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? लेकिन मैं इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस बात को जो हमारे पार्टी के अंदर का मामला है उसको हम सड़क पर लावे, ये हम अपने सल्टेंगे। रामबाण जी ने ऑफर किया है जगदा बाबू, आ जाइए हमारे पास। नहीं नहीं, ऑफर हम मैंने, ये ऑफर का कोई मतलब है क्या? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैंने 3 विधायक वाली पार्टी ऑफर देगा कि आप हमारे पास चले आइए, माफ़ कीजिएगा। ठीक।